हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका नेक्स्ट चैप्टर जो कि डायरी के पन्ने, ये चैप्टर का नेम है और इनके लेखिका हैं एन फ्रैंक। ये आपका वितान की पाठ्यपुस्तक का चैप्टर नंबर 4 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर का सारांश। इस पाठ में लेखिका एन फ्रैंक ने अपने जीवन में आए संकटों का मार्मिक ढंग से वर्णन किया है। लेखिका ने स्त्रियों पर हुए अन्याय का भी वर्णन किया है। इस डायरी को एन फ्रैंक की अकाल मृत्यु के बाद उनके पिता ऑटो फ्रैंक ने पहली बार डच भाषा में सन 1947 में छपवाया था। लेखिका ने अपनी डायरी को अपनी प्यारी गुड़िया किट्टी को संबोधित करते हुए लिखा है। यह डायरी यहूदियों पर ढाए गए जुल्मों का एक जीवंत ऐतिहासिक दस्तावेज है। लेखिका ने 8 जुलाई 1942 से अपनी डायरी लिखना प्रारंभ की। युद्ध के दौरान दो यहूदी परिवार 2 वर्ष तक एक गुप्त स्थान पर छिपे रहे। इनमें से एक लेखिका का परिवार अर्थात फ्रैंक परिवार था और जिसमें 13 वर्षीय एन यानी जो चैप्टर की लेखिका हैं वो थी और उनके माता पिता और उनकी बड़ी बहन मॉर्गेट थी, जबकि दूसरा परिवार था वान दंपत्ति और उनका 16 साल का लड़का पीटर। इनके साथ एक और व्यक्ति रहता था जिसका नाम मिस्टर डसेल था। एन फ्रैंक ने डर, आतंक, भूख, गरीबी, मानवीयता, प्रेम, घृणा, प्यास, पकड़े जाने का खौफ आदि का जीवंत वर्णन किया है। ये सब एन के पापा के दफ्तर में छिपे थे और 9 तारीख को दफ्तर की बिल्डिंग के बारे में लिखा गया है। 10 तारीख को लेखिका ने दिन भर अपने पिता के साथ मिलकर दफ्तर के कमरे की सफाई की और सामान व्यवस्थित किया। रसोई को रगड़कर साफ करने का काम भी लेखिका ने पूरा किया। 28 नवंबर को एन ने लिखा कि उसने वह समय किस प्रकार डर डर कर बिताया है। मिस्टर डसेल जो एक अच्छे खासे चुगलखोर व्यक्ति हैं, एन की सभी बातें उसकी मम्मी को बता देते हैं और वही बातें एन की माँ उसे उपदेश के रूप में सुनाती है। एन ने अपनी गलतियों के बारे में भी लिखा है, पर वह उन पर या तो हंस देती है और या फिर रो देती है। वह चाहती है कि अपनी सभी गलतियां वह धीरे धीरे ठीक कर ले। 19 मार्च को एन फ्रैंक ने लिखा कि 1000 गिल्डर के नोट को अवैध मुद्रा घोषित किए जाने से कालाबाजारी करने वालों को बड़ा झटका लगा है। 23 जनवरी को एन फ्रैंक ने लिखा कि उसे राजसी परिवारों की वंशावली में अच्छी रुचि हो गई है। वह रविवार को फिल्मी कलाकारों की तस्वीरें अलग करने व देखने में समय व्यतीत करती है। साथ ही एन फ्रैंक को बालों का स्टाइल बनाना बहुत पसंद है। 28 जनवरी एन फ्रैंक लिखती है कि वह मिसेज डान की हर कहानी को सुनकर उब चुकी है, क्योंकि वही कहानी उसने पहले भी सुन रखी है। मिस्टर डसेल भी पुरानी बातें बताते रहते हैं, जैसे घोड़ों की दौड़ें और लीक करती नावें और 4 साल की उम्र में तैरने की बातें इत्यादि। 29 मार्च को एन ने लिखा कि कैबिनेट मंत्री मिस्टर बोलके स्ट्रेन ने लंदन से डच प्रसारण में घोषणाएं करते हुए कहा कि युद्ध के बाद युद्ध का वर्णन करने वाली डायरियों तथा पत्रों को इकट्ठा किया जाएगा। यह सुनकर एन का मन आनंद से भर गया। लेखिका ने कहा कि डचों की नैतिकता अच्छी नहीं है, वे सभी भूखे हैं, उनके यहाँ 1-2 हफ्ते का राशन 2 दिन भी नहीं चल पाता। एन ने 11 अप्रैल को डायरी में लिखा कि शनिवार को गोलाबारी शुरू हो गई। तेज धमाका सुनने के बाद ही एन छत से नीचे उतरी थी। एन के चेहरे का रंग फीका पड़ गया था और उसके पापा ने उसे जल्दी ही नीचे आने को कहा था। 13 जून को एन ने डायरी में लिखा कि सभी डच लोग ब्रिटेन का मजाक उड़ाते हैं और उन्हें कायर भी कहते हैं। पीटर के बारे में लेखिका कहती है कि वह केवल एक अच्छा दोस्त है, क्योंकि वह यह मानती है कि पीटर का स्वभाव उसके स्वभाव से बिल्कुल भिन्न है। एन कहती है कि लोग उसे घमंडी समझते हैं, परंतु वह है नहीं। एन अपनी कमियों को जानती है और उन्हें ठीक करना भी चाहती है, जबकि लोग ऐसा नहीं कर पाते हैं। वह लिखती है कि नारियां केवल बच्चे पैदा करने की मशीन नहीं है, नारियों ने ही समाज को बनाया है, फिर समाज उन्हें उचित सम्मान क्यों नहीं देता। औरतों की मुश्किलों को पुरुष कभी झेल भी नहीं सकते, इसलिए इन मुश्किलों या तकलीफों का अनुमान लगाना भी उनके लिए असंभव है। लेखिका को यह विश्वास है कि अगली सदी में औरतों को अधिक सम्मान और गौरव की दृष्टि से देखा जाएगा।